मॉर्निंग। आज के हमारे इस लेक्चर में पार्ट सिक्स में हम सीखेंगे डिमांड एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एजम्पशंस, या एग्जाम में आएगा विथ एक्सेप्शंस। हमने पहले एजम्पशन लिया है, एक्सेप्शन एक्सेप्शनल केसेस को हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है और लॉ ऑफ डिमांड को किसने दिया, किसने प्रिपेयर किया, किसने प्रपाउंड किया, किसने डेवलप किया? द लॉ ऑफ डिमांड वॉज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल। इन दिस लॉ ही ट्राइज टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ नॉर्मल कंज्यूमर एट वेरियस अल्टरनेटिव प्राइसेस। एक नॉर्मल कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है जब किसी कमोडिटी के अलग अलग प्राइसेस दी होती हैं, तो अलग अलग प्राइसेस पर उसका बिहेवियर क्या होता है, वो कितनी क्वांटिटी डिमांड करता है। इस बिहेवियर को बहुत खूबसूरत ढंग से अल्फर्ड मार्शल ने इसमें व्यक्त किया है। अब देखिए, द लॉ ऑफ डिमांड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890। द लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एक बात आपको ध्यान रखना है इस लॉ के अंदर, जब बात आएगी लॉ ऑफ डिमांड की, तो लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन्ड विथ रेफरेंस टू प्राइस ओनली। मतलब अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अल्फर्ड मार्शल, डिमांड केवल प्राइस पर डिपेंड करती है लॉ ऑफ डिमांड में। सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया प्रीवियस पार्ट में, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग और डिटरमाइनिंग द डिमांड फॉर कमोडिटी, उसमें क्लियर था। पहला पॉइंट था प्राइस, और प्राइस के अलावा देयर आर 11 पॉइंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, साइज ऑफ पॉपुलेशन, टेस्ट, फैशन हैबिट्स, और देयर आर सम एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप, बहुत सारे पॉइंट हमने देखा उसके अंदर। एक बात याद रखिए, प्राइस को छोड़कर बाकी सभी जो फैक्टर हमने उसमें लिया है कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड के लिए, वो सब कहां आ जाएंगे, एजम्पशन में आ जाएंगे। क्योंकि जब डॉक्टर अल्फर्ड मार्शल ने लॉ को एक्सप्लेन किया, तो एक बात क्लियर कर रखी प्राइस। तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि प्राइस को लेकर केवल डिमांड को एक्सप्लेन करना है। तो इसी के आधार पर स्टेटमेंट देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यही एजम्पशन है। ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल क्या है, ये एजम्पशन है। एजम्पशन मतलब कंडीशन, सारी बातें एकदम क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, शांत रहेंगी। मतलब प्राइस के अलावा दूसरे कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं हो, दूसरा ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होगा जो डिमांड पर असर डालेगा, डिमांड पर प्रभाव डालेगा। केवल और केवल प्राइस ही डिमांड पर प्रभाव डालेगी, इसलिए वो प्राइस के संदर्भ में एक्सप्लेन किया गया है। हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस क्या रहेगी, हायर रहेगी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस ज्यादा होगी तो स्मॉल क्वांटिटी में क्वांटिटी को डिमांड किया जाएगा कमोडिटी को, एंड लोअर इज द प्राइस, लार्जर क्वांटिटी डिमांडेड। तो सेंटेंस बहुत क्लियर है, अदर थिंग बीइंग इक्वल हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर इज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। पूरी एक्सप्लेनेशन में एक ही बात साफ साफ है कि जब प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी तो स्मॉल क्वांटिटी में डिमांड होगी, और जब प्राइस क्या होगी, लो होगी, तो लार्ज क्वांटिटी में क्या होगी, डिमांड होगी। तो बहुत सिंपल है। इन अदर वर्ड्स अदर फैक्टर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, देखिए फिर से अदर वर्ड्स में अगर देखें तो अदर फैक्टर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो हमने इसके प्रीवियस पार्ट में देखा फाइव पार्ट में, फैक्टर डिटरमाइनिंग द डिमांड, याद रखो प्राइस के अलावा बाकी सभी फैक्टर क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे, फिक्स रहेंगे, देर इज नो चेंज एट ऑल। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, जब कमोडिटी की प्राइस राइजेस होगी, डिमांड फॉर इट फॉल्स, उसकी डिमांड क्या होगी, फॉल्स होगी। तो राइजेस के संदर्भ में आपको फॉल्स ही लिखना होगा। एंड व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, जब कमोडिटी की प्राइस फॉल होगी, डिमांड फॉर द कमोडिटी राइजेस, तो राइज ऑन फॉरेक्स होगा।
क्या होगा, प्राइस में राइज होगा तो डिमांड में फॉल होगा, जब प्राइस में फॉल होगा तो डिमांड में प्राइस होगा. दस देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इसलिए प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है. इसको हम बोलते हैं प्राइस और डिमांड एक दूसरे के प्रतिलोमानुपाती होती है. प्रतिलोमानुपाती मतलब इनवर्स रिलेशनशिप. तो देखिए सिंबॉलिकली डीएक्स दैट इज एक्स स्टैंड फॉर क्वांटिटी डिमांडेड. डिमांड फॉर कम्युनिटी एक्स इक्वल फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ प्राइस ऑफ कम्युनिटी एक्स. डी स्टैंड फॉर डिमांड फॉर अ कम्युनिटी, एक्स स्टैंड फॉर कम्युनिटी, एफ स्टैंड फॉर फंक्शन एंड पी एक्स स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी. तो मैथमेटिकली और सिंबोलिकली वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस लाइक दैट डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस. दैट मीन्स देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. तो इसको बोलते हैं क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप. डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप. अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो ऐसा होता है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप, बट ये यहां पे नहीं है, ये है. रिलेशनशिप को शो करने का मैथमेटिकल तरीका ये है. अब आप आगे देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल क्या है और कर्व से एक्सप्लेन करेंगे डिमांड कर्व, और उसके बाद आएंगे फिर हम एजम्पशन में. तो अब हमने बना लिया है डिमांड शेड्यूल. तो डिमांड शेड्यूल आपका पहले भी आपने देखा था, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, सेम वे से हमने बनाया डिमांड शेड्यूल. नाउ प्राइस ऑफ कम्युनिटी एक्स इज गिवन रुपीज 50, 40, 30, 20, 10. एज द प्राइस ऑफ कम्युनिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग या फॉलिंग, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कम्युनिटी एक्स इन केजी विल बी इंक्रीजिंग. ये देखिए 50 रुपीज पर 1 केजी, प्राइस फॉल हुई, डिमांड राइज हुई, प्राइस फॉल हुई और डिमांड राइज हुई. एज द प्राइस ऑफ कम्युनिटी एक्स फॉल्स इट्स डिमांड राइजेस. जस्ट सी दैट द अबव शेड्यूल शोज दैट इफ द प्राइस इज रुपीज 50, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी 1 केजी, बट एज द प्राइस फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड गोज ऑन इंक्रीजिंग. जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड गोज ऑन इंक्रीजिंग, मतलब डिमांड बढ़ती जा रही है. तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. देखिए यहां पे दस एज द प्राइस ऑफ कम्युनिटी फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, एंड व्हेन प्राइस ऑफ कम्युनिटी राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स. दिस शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. तो वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट द शेड्यूल. नाउ व्हेन द सेम शेड्यूल इज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर वी विल गेट अ सीरीज ऑफ पॉइंट A, B, C, D, E, and by joining all these points, we get demand curve, DD, demand curve. Now, just let's see that. Price of commodity shown on Y-axis and quantity demanded on X-axis. 10, 20, 30, 40 and 50 rupees is the price, and 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg and 5 kg is the quantity demanded. जब प्राइस 50 रुपीज है तो डिमांड कितनी है, 1 केजी है. प्राइस जब 40 रुपीज है तो डिमांड कितनी है, 2 केजी है. देखो हमने इसको मिलाया ऐसे, 30 रुपीज पर 3 केजी है तो इसको हमने ऐसा ज्वाइन कर दिया, 20 रुपीज पर 4 केजी है देखो इसको ज्वाइन कर दिया, एंड सिमिलरली इसको ज्वाइन कर दिया. एंड जब हमको ये सारे पॉइंट्स मिले, इन सारे पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो हमें कौन सा कर्व मिला, डीडी कर्व, डिमांड कर्व. तो इन द अबाउट डायग्राम क्वांटिटी डिमांडेड शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन Y axis. We see that, yeah, we can see that when the demand curve slopes downward, slope of the demand curve is downward, begins from here and just go downward. So, we can see that demand curve slopes downward from left to right, a left to right direction mein ja raha hai, indicating an inverse relationship between demand and price, yeah, price and demand. So, this is clear cut information. Whatever the statement of the law of demand says, yes, said, that should be practically implemented in the above diagram. So, now we will see the assumptions of law of demand. So, ab hum start kar rahe hain assumptions of law of demand. Hamara question dekhi gaya tha, assumptions ke saath tha. Assumption means conditions. Ab ek baat dhyan rakhna, law of demand ko keval प्राइस को लेकर एक्सप्लेन किया गया है,
डॉक्टर अल्फर्ड मार्शल ने स्टेटमेंट ऑफ द लॉ के अंदर इस बात को स्पष्ट किया है कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी राइज और फॉल विद द राइज और फॉल इन द प्राइस। तो एक सिंपल सी बात है कि अकॉर्डिंग टू द अल्फर्ड मार्शल डिमांड फॉर कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन ओनली प्राइस। किसमें? लॉ ऑफ डिमांड में। इन एक्चुअल प्रैक्टिस डिमांड फॉर एनी कमोडिटी नॉट ओनली डिपेंड अपॉन प्राइस बट ऑल्सो देर आर सो मेनी रिमेनिंग फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। लेकिन उन्हीं सारे फैक्टर्स को एज्यूम कर लेना है क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड को केवल प्राइस के संदर्भ में एक्सप्लेन किया गया है, इस बात को एकदम ध्यान रखना है। तो देखिए, तो लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। फर्स्ट पॉइंट, नो चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। सही बात है, हमने देखा था कि किसी भी कंज्यूमर की डिमांड या किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति की डिमांड उसकी इनकम पर डिपेंड करती है। इनकम ज्यादा हो गया तो वो ज्यादा डिमांड करने लगेगा इवन दो देयर इज नो चेंज इन द प्राइस एट ऑल। सो द लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू इफ कंज्यूमर परचेस हायर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फॉलिंग प्राइस बट बिकॉज ऑफ राइज इन हिज इनकम। उसकी इनकम बढ़ गई इसलिए वो खरीदना ज्यादा स्टार्ट कर रहा है, इसलिए ज्यादा डिमांड कर रहा है। इसलिए ज्यादा डिमांड नहीं करेगा कि उसकी प्राइस कम हो गई। प्राइस तो वही की वही है, प्राइस रिमेन अनचेंज, प्राइस कांस्टेंट है। और कंज्यूमर ने ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करना शुरू कर दिया, क्यों? क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज लॉ प्योरली डिपेंड अपॉन ओनली प्राइस अकॉर्डिंग टू मार्शल। सो जस्ट सी हियर एक्सप्लेनेशन, द कंज्यूमर्स इनकम मस्ट रिमेन अनचेंज। इफ देयर इज चेंज इन इनकम ही मे डिमांड मोर और लेस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इवन द प्राइस रिमेनिंग द सेम। फॉर एग्जाम्पल, इफ हिज इनकम इंक्रीजेस ही मे बाय मोर ऑफ द कमोडिटी इवन एट हायर प्राइस। ज्यादा प्राइस पर भी वो ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है। तो लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू। लॉ के अंदर प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होना चाहिए। यहां पर तो प्राइस हायर प्राइस पर वो ज्यादा खरीद रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है। तो इनवैलिडेटिंग द लॉ ऑफ डिमांड, और ऐसा केस जो होगा वो लॉ ऑफ डिमांड को क्या कर देगा? इनवैलिडेट कर देगा, जो कि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर नहीं है ऐसा। नेक्स्ट वन, नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। आपको याद होगा ये भी डिटर्मिनेंट था लॉ ऑफ डिमांड का, किसका? डिमांड का। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? देयर इज नो चेंज इन पॉपुलेशन। इफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंज ऑटोमेटिकली द टोटल मार्केट डिमांड इंक्रीजेस बिकॉज डिमांड फॉर अ कमोडिटी ओनली डिपेंड अपॉन अ प्राइस अकॉर्डिंग टू मार्शल इन हिज स्टेटमेंट। सो जस्ट सी दैट इफ इट इज अज्यूम्ड दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, पॉपुलेशन के साइज में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एनी चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन किसका बना होता है? मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन, चाइल्ड पॉपुलेशन, ओल्ड एज पॉपुलेशन। अगर मान लिया जाए अचानक साइज ऑफ पॉपुलेशन के अंदर जो चाइल्ड पॉपुलेशन की संख्या बढ़ गई तो चाइल्ड ओरिएंटेड गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? चाइल्ड रिलेटेड गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। अरे, चाइल्ड रिलेटेड गुड्स की डिमांड इसलिए बढ़ गई क्योंकि उनकी संख्या बढ़ गई, इसलिए नहीं बढ़ गई कि प्राइस कम हो गई। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जिसके अंदर रेशो होता है, सेक्स रेशो होता है, मेल फीमेल, चाइल्ड, ओल्ड एज पीपल्स, इनका जो रेशो होता है वो अगर बढ़ गया तो फिर डिमांड उनसे रिलेटेड कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ना कि प्राइस में परिवर्तन होने के कारण। याद रखना है, ओनली डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस, नॉट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। सो अदर फैक्टर इज नो चेंज पॉपुलेशन, सो वी अज्यूम दैट देर इज नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। इट इज अज्यूम दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज। एवरी चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री अफेक्ट द टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट या फॉर द कमोडिटी। नाउ नेक्स्ट वन, नो चेंज इन प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। या सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को बहुत ध्यान से याद रखना है। हमने देखा था डिटर्मिनेंट्स में कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो भी किसी कमोडिटी की डिमांड को प्रभावित करता है,
लेकिन यहां पर एज्यूम करना होगा. क्यों एज्यूम करना होगा भाई? क्योंकि हमें केवल प्राइस के संदर्भ में लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करना है. इस बात को ध्यान रखें. सो नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे हमने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल दिया था आपको, प्रीवियस लेक्चर में ही पार्ट फाइव में. सब्स्टिट्यूट गुड्स लाइक लक्स एंड सॉरी हमाम एंड रेक्सोना. अगर हमाम की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग रेक्सोना परचेस करना शुरू कर देते हैं. रेक्सोना इसलिए परचेस करना नहीं शुरू कर देते हैं, या रेक्सोना इसलिए डिमांड करना शुरू नहीं कर देते हैं कि रेक्सोना की प्राइस कम हुई है. प्राइस तो दूसरे कम्युनिटी की बढ़ी है और डिमांड दूसरे क्वांटिटी की बढ़ रही है. तो दूसरे क्वांटिटी दूसरे कम्युनिटी की डिमांड इसलिए नहीं बढ़ रही है कि उसकी प्राइस कम या ज्यादा हो रही है. तो सब्स्टिट्यूट कम्युनिटी के प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते वक्त. तो ध्यान दीजिए, नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट कम्युनिटी. इट इज अज्यूम्ड दैट द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट रिमेन्स अनचेंज, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, रिमेन्स फिक्स्ड. एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट कम्युनिटी के चेंज में अगर प्राइस में अगर चेंज होगा विल अफेक्ट द डिमांड फॉर द कम्युनिटी. सब्स्टिट्यूट कम्युनिटी की प्राइस अफेक्टेड होगी तो दूसरी जो उससे रिलेटेड कम्युनिटी है उसकी डिमांड कम या ज्यादा हो जाएगी. हमें इस बात का केवल ध्यान देना है प्लीज कि जब किसी कम्युनिटी की डिमांड बढ़ती या घटती है तो उसकी प्राइस के कारण होना चाहिए, ना कि किसी अन्य कारण से उसकी डिमांड बढ़नी और घटनी चाहिए. तो सब्स्टिट्यूट कम्युनिटी को एज्यूम करना है कि इसकी इसमें कोई भी प्राइस में चेंजेस नहीं होना चाहिए. नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ज्वाइंटली डिमांडेड. कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक. तो ध्यान दीजिए यहां पर, नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. इट इज एज्यूम दैट द प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स अनचेंज्ड सो दैट द लॉ होल्ड ट्रू. तभी लॉ क्या हो पाएगा, सही साबित हो पाएगा. बिकॉज अ चेंज इन द प्राइसेस ऑफ वन गुड विल अफेक्ट द डिमांड फॉर द अदर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ जाए तो लोग कार की डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे कि नहीं करेंगे? कल को फ्यूल अगर 100 रुपीज लीटर में पहुंच जाए, 125 रुपया लीटर पहुंच जाए, आज मान लिया जाए 80 रुपया लीटर है तो लोग डिमांड कर रहे हैं. कल को अगर प्राइस और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए तो लोगों की डिमांड कम होगी कार के लिए. प्राइस बढ़ रही है फ्यूल की और डिमांड कम हो रही है किसकी, कार की. अब मुझे बताइए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है कि नहीं? एक की डिमांड, एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड पे प्रभाव है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन ज्वाइंटली डिमांडेड गुड्स. सो फर्दर वी विल से द नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट. तो चलिए आगे के पॉइंट हम जल्दी जल्दी थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं क्योंकि अभी तक आप समझ चुके होंगे कि किसी भी कम्युनिटी की जो डिमांड है वो किस पर डिपेंड करती है, केवल प्राइस पर. बाकी फैक्टर्स रिमेन क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं. तो उसी के कैटेगरी में नो चेंज इन टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस फैशन एक्सेट्रा. कंज्यूमर का कोई टेस्ट स्वाद नहीं चेंज होगा, हैबिट आदत नहीं बदलेगी, प्रेफरेंस प्राथमिकता नहीं बदलेगी उसकी, और फैशन भी नहीं बदलेगा. अगर ये सारी चीजें टेस्ट हैबिट और प्रेफरेंस और फैशन के आधार पर जाएंगे तो कंज्यूमर फिर प्राइस नहीं देखता है. नया फैशन आया दौड़ के लेगा, वो प्राइस नहीं देखेगा. उसकी हैबिट है टेस्ट है तो हैबिट और टेस्ट के कारण वो प्राइस नहीं देखेगा. हैबिचुएटेड पर्सन वो कंज्यूम करके रहेगा कम्युनिटी, वो प्राइस की तरफ नहीं देखेगा. सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि देयर इज नो चेंज इन टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस फैशन एक्सेट्रा. अदरवाइज इफ दीज आर चेंजेस देन द कंज्यूमर्स डिमांड विल बी चेंजेस, नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस बट जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स एंड द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट होल्ड. लॉ ऑफ डिमांड क्या रह जाएगा, वैलिड नहीं रह जाएगा. सो इट इज एज्यूम दैट कंज्यूमर्स टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस फैशन एक्सेट्रा शुड रिमेन अनचेंज्ड. एनी चेंज इन दीज फैक्टर्स, अगर इस फैक्टर में कोई भी चेंजेस होता है विल लीड टू चेंज इन डिमांड विदाउट एनी चेंज इन प्राइस एंड लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू. सिंपल. नेक्स्ट पॉइंट, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस. हमने डिटर्मिनेंट में देखा था कि कंज्यूमर को ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि फ्यूचर में फर्दर प्राइसेस कम होने वाली हैं, तो एट इवन दो एट प्रेजेंट टाइम प्राइसेस वुड बी लो देन ही वुड नॉट प्रिफर टू बाय दैट कमोडिटी. अगर कंज्यूमर को लगता है कि भविष्य में और कीमतें गिरने वाली हैं तो वर्तमान प्राइस पर डिमांड नहीं करता है, या उसे लगता है कि भविष्य में बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ने वाली हैं तो
तो वर्तमान में प्राइस में कोई चेंज हुए बिना भी वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा डिमांड करने लगता है। तो इस केस में डिमांड प्राइस पर निर्भर नहीं करती है, वो तो सोच रहा है ना कि फ्यूचर में ऐसा होगा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के आधार पर डिमांड को बदल रहा है वो, जबकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि डिमांड में परिवर्तन आना चाहिए केवल प्राइस को लेकर के। सो इस बात को ध्यान देते हुए नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस, इट इज अज्यूम दैट कंज्यूमर डज नॉट या डू नॉट एक्सपेक्ट एनी फर्दर चेंजेस इन द प्राइस इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में प्राइस के बारे में कुछ भी सोचेगा नहीं। इफ कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट अ राइज इन प्राइसेस इन फ्यूचर दे मे डिमांड मोर इवन एट एग्जिस्टिंग हाई प्राइस। अगर वर्तमान में हाई प्राइस एग्जिस्ट है तभी वो ज्यादा डिमांड करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि अरे फ्यूचर में और भी प्राइस क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं करना उसे, एंड द लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू। और अगर ऐसा हुआ तो लॉ सही नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसी है उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। इफ गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी रिगार्डिंग ट्रेड पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, इसमें अगर चेंजेस आता है तो देर आर सो मेनी चेंजेस इन द डिमांड मेड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी में बदलाव आता है तो कंज्यूमर के द्वारा डिमांड किए गए गुड्स एंड सर्विसेज में भी क्या आएगा, चेंजेस आएगा। डिमांड बढ़ भी सकती है, डिमांड कम भी हो सकती है, नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस बट बिकॉज ऑफ चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। तो ध्यान दीजिए, यहां पर टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज ग्रेट इंपैक्ट ऑन डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। देयरफॉर इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो भी टैक्सेशन पॉलिसी डिक्लेयर करेगी उसमें कोई चेंजेस होना नहीं चाहिए। अगर गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर की गई टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर चेंजेस होता है तो कंज्यूमर के द्वारा डिमांड की गई गुड्स एंड सर्विसेज में भी चेंजेस हो जाएगा, नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस बट बिकॉज ऑफ चेंजेस इन टैक्सेशन पॉलिसी मेड बाय द गवर्नमेंट और डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन, ये स्टार क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है हमारा, नो चेंजेस इन कंज्यूमर्स क्रेडिट पॉलिसी। कंज्यूमर की क्रेडिट पॉलिसी में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। इफ कंज्यूमर्स क्रेडिट पॉलिसी का मतलब है कि गवर्नमेंट कंज्यूमर को क्रेडिट फैसिलिटी आसानी से मिल रही है, और जब कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी तो वो प्राइस की परवाह किए बिना मार्केट में जाएगा और गुड्स की डिमांड करेगा। ही ट्राई टू परचेस मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज क्रेडिट पॉलिसी इज लिबरल, क्रेडिट पॉलिसी इज इजी एंड इजिली। क्रेडिट पॉलिसी मतलब जो कंज्यूमर होगा उसको आसानी से क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। अब जब आसानी से पैसे आएंगे उसके हाथ में तो आसानी से वो डिमांड भी करेगा, not just because of change in prices, just because of credit facility available and availability of credit facility ka advantage lete hue kya karega, jyada demand karega. So it is also assumed that there is no change in credit policy. If consumer's credit policy changes, the demand for commodity may also change without any change in the price. So aaj ke liye itna hi samapt hota hai. देखते रहिए, समझते रहिए, खुश रहिए और इकोनॉमिक्स अच्छी तरह पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे पार्ट 7।